सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत हैं। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषणादि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारणा की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्याति रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृतिक उपादानों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपनी प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना, अर्थात इसमें किंचिन मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना ना रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य ना समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, साक्षात सचिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय के चौथे अध्याय के छठे श्लोक में यह बात समझाई गई है। और जो इस तत्व को समझता है उसकी प्रशंसा की गई है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है उसके लिए भगवान का एक क्षण वियोग का भी असह्य हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन स्वतः ही होता रहता है। भगवान के कर्म दिव्य होते हैं। आइए इस बात को तत्वों से समझने का प्रयत्न करते हैं। भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तृत्व भाव ना रहने के कारण वास्तव में ना तो कुछ भी करते हैं और ना उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान की उन कर्मों के फल में किंचिन मात्र भी स्पृहा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोक हितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा रहता है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित दया और प्रेमपूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य
भक्तों का योग क्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णाधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म, आसक्ति, अहंकार और कामनादि दोषों से सर्वथा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार प्रसार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है, वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता हैं। इस बात को भलीभांति समझ लेना, इसमें किंचिन मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना ना रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों की दिव्यता को समझ लेने से भगवान की प्राप्ति होती है, या इनमें से किसी एक की दिव्यता के ज्ञान से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दोनों में से किसी एक की दिव्यता जान लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, फिर दोनों की दिव्यता समझ लेने से हो जाती है, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान कहते हैं, इस प्रकार मुझे जानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त ना होकर मुझको ही प्राप्त होता है। उसकी कैसी स्थिति होती है, इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको यानी भगवान को ही प्राप्त होता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह सिद्धांत ही है। यहाँ जन्म कर्मों की दिव्यता जानने वालों को शरीर त्याग के बाद भगवान की प्राप्ति होने की बात कही गई, तो क्या उसे इसी जन्म में भगवान नहीं मिलते? इस जन्म में नहीं मिलते ऐसी बात नहीं है, वह भगवान के जन्म कर्मों की दिव्यता को जिस समय पूर्णतया समझ लेता है, वस्तुतः उसी समय उसे भगवान प्रत्यक्ष मिल जाते हैं, पर मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान के परमधाम को चला जाता है। यह विशेष भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि वह शरीर त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त होता है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को इस वीडियो में हम यहीं विराम देते हैं। आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रतिदिन वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, सनातन वैदिक ज्ञान को हर सनातनी के पास पहुंचाना। श्री कृष्णं शरणं मम, जय श्री कृष्णा।